क्वेश्चन आ गया और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा ग्राफ इसमें से, हाँ देखो, कौन सा ग्राफ है वो वन डाइमेंशनल मोशन को कभी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता यार। अब इसमें से देखो, ये जो ग्राफ है इसमें वेलोसिटी बढ़ रही है, क्या वन डाइमेंशनल मोशन में वेलोसिटी बढ़ सकती है और घट भी सकती है यार, ऐसा तो पॉसिबल होता ही है। दूसरा वाला, क्या कभी एक ही टाइम पे दो दो वेलोसिटी हो सकती है, मतलब एक ही आदमी अपने घर में भी रहे और अपने स्कूल में भी रहे, दो पोजीशन हो सकता है, दो वेलोसिटी हो सकती है, दो एक्सलेशन हो सकता है, ऐसा अभी के फिजिक्स में इम्पॉसिबल है। तो अभी के फिजिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, वैसे तो मल्टीपल यूनिवर्स मल्टीवर्स थियरी अब पढ़ोगे तो एक नहीं बहुत सारी पोजीशन पॉसिबल है, ठीक है। तो अभी के लिए ये यही गलत है, ठीक है, ये वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। क्या वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली वेरी कर सकती है? ऑब्वियसली नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन, यहाँ एक्सलेशन कॉन्स्टेंट था, यहाँ एक्सलेशन वेरिएबल है, ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा होता है, ठीक है। ये पार्टिकल, ठीक है, SHM, जब SHM पढ़ोगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ोगे, तो ऐसे ही ग्राफ आते हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यही गलत है।